बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। उस टाइम पे जितना आई वुड से स्ट्रगल हुआ करता था, चाहे वो इंटरनेट रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, चाहे हाँ वो आइडियाज हो कंटेंट बनाने के लिए, सो वो सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी के टाइम पे ऐसा है कि आप कहीं भी नजर मारो आपको कंटेंट मिल जाएगा, राइट? आप रास्ते पे निकल जाओ आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप उससे अपना कंटेंट बना सकते हाँ हो। वो अब लाइक तो वैसे ही हो गया। सो बहुत कुछ हो गया है। लाइक आप ब्लॉग से कंटेंट बना सकते हो, आप अपने ब्लॉग को गेमिंग में शिफ्ट करके लाइक थोड़ा बहुत कंटेंट जनरेट कर सकते हो, आप गेमिंग करते करते कुछ कुछ और चीजें कर सकते हो, लाइक यू नो। सो बहुत सारी चीजें आप कंटेंट के लिए बना सकते हो। उस टाइम पे ऐसा था कि लाइक आपको आप एक चीज को पकड़ के चल रहे हो एंड उसके बाहर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको हाँ पता ही नहीं कि बाहर में क्या चल रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर उस टाइम पे बैटल फील्ड लॉन्च हुआ था तो बैटल फील्ड के बाद बहुत टाइम बाद कुछ और गेम्स लॉन्च हुआ करते थे। लाइक अभी कहते हैं कि अभी हर 3 दिन 4 महीने गेम लॉन्च हो जाते हैं, वो भी राइट? ट्रिपल ए टाइटल्स। ट्रिपल ए टाइटल्स हो जाते हैं। और हाँ मोबाइल गेम्स तो आप भूल ही जाओ, तो मतलब हर महीने का नया लॉन्च हो ही रहा है, राइट? सो उस टाइम पे ऐसा था कि आप पहले 3 4 महीना एक गेम को दो, उस पर ग्राइंड करो, उस पर कॉन्टेंट बनाओ, देन कुछ और गेम्स आ रहे तो उस पर पहले क्या कहते हैं सब ढूंढो कि भाई कौन सा गेम है, उस पर आप पूरी अपने दोस्तों के साथ उनको सिनर्जी बिठाओ कि ये गेम भी आने वाला है, उस पर हम ट्राई करेंगे, देन अगेन उस पर आप अलग से सिनर्जी बिठाओ, उस पर अलग से आप ग्राइंड करो, ये सारी चीजें। तो उस टाइम का आई वुड से कि जो कॉन्टेंट जनरेशन जो पीरियड था पूरा, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था एंड बहुत ज्यादा लिमिटेड था। आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि आपको एक वाइड सोर्स मिल गया कॉन्टेंट बनाने के लिए। आप किसी भी चीज से कॉन्टेंट बना सकते हो, बीट गेमिंग, बीट एनीथिंग, बिकॉज यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो आपका कंटेंट जनरेशन चलते रहेगा। लाइक आप किसी भी चीज से कंटेंट बना सकते हो। सो मेरे हिसाब से 2011-12 की जर्नी अगर आप देखो, उस टाइम का अगर आप यूट्यूब देखो, वो अगर यहाँ पर है कंटेंट के मामले में, तो आज के तारीख में वो यहाँ पे हम चल रहे हैं एंड यहाँ से इतना डिफरेंस आ गया है।